कल हमने बात की थी कि क्या चीजें भाई इस रो में, इधर इधर हो जाए, जगह बना दें, एक ही दफा, एक ही दफा इंटर जगह बना दें, लास्ट रो भी कैप वाले भाई इधर उधर हो जाए, भाई ये सेकंड लास्ट इधर हो जाए, यार मुझे आना पड़ेगा भाइयों, इधर इधर हो जाओ और इधर हो जाओ, नजर आएगा बिल्कुल, इधर इधर हो जाओ, इधर इधर हो जाओ, उधर उधर हो जाओ, थोड़ा और उधर हो जाओ, भाई उधर हो जाए ना, नजर बिल्कुल उसी तरह आएगा, आप भी थोड़ा सा उधर हो जाओ, आगे भी आ सकते हो। अच्छा भाई, कल बात की थी कि क्या चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है, आज हमने ये बात करनी है क्या चीज़ें कैपिटल एसेट हैं। फिलहाल हम ये बात कर लेते हैं जो चीज़ें कैपिटल एसेट नहीं है। तो ये हाइब्रिड वाले टाइम पे आएगा, वरना कोई फायदा नहीं है, एक ही दफ़ा सही तरह पढ़ना जो पढ़ना है, इसलिए एक ही दफ़ा होता है ज़िंदगी में, बार बार नहीं। अच्छा जी, तो ये कोई बंदा है, ये इसका घर है और ये इसकी दुकान है। अब सवाल ये राइज होगा कि घर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो मूवेबल हैं, मिसाल के तौर पे घर के अंदर बर्तन पड़े होंगे, घर के अंदर जो है वो बीपी ऑपरेटर्स, हाँ ठीक है पड़ा होगा, शोर को बीपी का मसला होगा तो बीपी ऑपरेटर्स पड़ा होगा, घर के अंदर जो है वो कोई और प्लेटें पड़ी होंगी, घर के अंदर फर्नीचर पड़ा होगा, घर के अंदर मोटरसाइकिल होगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मोहतरम कहलाती हैं पर्सनल एसेट इसके, जो घर में पड़ी हुई हैं, और ये पर्सनल के साथ साथ मूवेबल भी हैं, सारी चीज़ें मूव कर सकती हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो दुकान के ऊपर अगर आए तो जो पंखा लगा हुआ है, या कोई ऐसा भी तो हो सकता है दुकान पे एक कुर्सी हो जिसके ऊपर दुकान के एम्प्लॉयज बैठते हों चीज़ें सेल करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो दुकान के अंदर पड़ी हुई हैं, मिसाल के तौर पे दुकान का पंखा है, दुकान की कुर्सी है, दुकान की और चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो है वो आपके यूज़ के लिए हैं, या आपके दुकान पे बेचने के लिए नहीं है, इस्तेमाल के लिए हैं, ये एज अ फिक्स्ड एसेट यूज़ होती हैं, और जैसे जैसे ये इस्तेमाल होती हैं वैसे वैसे अपनी वैल्यू लूज़ करती हैं, इसलिए ये डिप्रिशिएट होती हैं। तो जो चीजें दुकानदार की दुकान पे इस्तेमाल के लिए पड़ी हैं वो भी कैपिटल एसेट नहीं है, द रीजन इज कि वो बिजनेस का एसेट होंगी, और इसके साथ दुकान के ऊपर जो बिस्किट पड़े हैं, बॉटल्स पड़ी हैं और चीजें पड़ी हैं, वो सारी की सारी भी कैपिटल एसेट नहीं है, बिकॉज वो चीजें दुकान के ऊपर जो सेल के लिए पड़ी हैं एज अ स्टॉक, इनका बेचना जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस में, इनका बेचना इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। ओके, अब ये सवाल टाइम पे आ गए, अब ये सवाल अराइज होता है कि क्या चीज़ें फिर कैपिटल एसेट हैं, क्या चीज़ें कैपिटल एसेट हैं, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले जरा ये एक्सेप्शंस देख लें। पेज नंबर कौन सा है ये बताएं जरा, 226। कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, कैपिटल एसेट से मुराद हर किस्म की प्रॉपर्टी है हेल्ड बाय अ पर्सन, जो एक बंदा होल्ड करे, हेल्ड बाय अ पर्सन, जो कि एक बंदे के पास है, वेदर आर नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। कहते हैं कुछ कैपिटल एसेट ऐसे भी होंगे जिनका बिजनेस से ताल्लुक है, कुछ होंगे जिनका बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो कैपिटल एसेट्स होंगे, वो देखेंगे हम बाद में कौन से हैं। अभी कैपिटल एसेट्स की बात को छोड़ें, अभी हम पढ़ने लगे हैं बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब आप डेली लेट आते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन ये चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन ये चीजें कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में शामिल नहीं है। क्या? एनी स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, एनी स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ, तो लिखें इसके ऊपर बिस्किट बॉटल्स फॉर सेल इन शॉप, स्टॉक के ऊपर लिखें बिस्किट बॉटल्स फॉर सेल इन शॉप, फॉर सेल इन शॉप। ओके, एनी स्टॉक हेल्ड फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस, तो बिस्किट बिस्किट और बॉटल जो दुकान पे बेचने के लिए रखे हुए हैं, डेट विल नॉट बी अ कैपिटल एसेट, रादर इट विल बी अ बिजनेस एसेट, रादर इट विल बी अ बिजनेस एसेट, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, कंज्यूमेबल्स, जैसे आप डॉक्टर साहब के पास चले जाएं तो डॉक्टर साहब की क्लिनिक के ऊपर जो है वो कॉटन पड़ी होगी, अब वो अगर डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किया टीका लगाने में, एक तो टीका लगाते हैं ना, दूसरा टीका भी लगाते हैं, तो डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल किया वो टीका लगाने में, तो टीका लगा के वो फेंक देंगे, तो उस कॉटन को कुछ सेव नहीं कर लेंगे, तो वो कॉटन जो है डॉक्टर साहब की क्लिनिक में एज ए बिजनेस यूज हो रही है बिजनेस में, तो उसको भी आप कैपिटल एसेट, ये तीनों चीज़ें जो हम पढ़ने लगे हैं ये कैपिटल एसेट नहीं है, कंज्यूमेबल स्टोर, क्योंकि ये भी कौन सा एसेट है उसका, बिजनेस एसेट है। ओके, नेक्स्ट टाइम पे आया करें, हाइब्रिड क्लास का फायदा कोई नहीं, इस तरह मैं सीरियसली बता रहा हूँ, डिसीजन लेने क्या करना है। और रॉ मटेरियल, या रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल भी मेरे भाई कैपिटल एसेट नहीं है,
रॉ मटेरियल क्या होता है? मिसाल के तौर पे होंडा कार्स वाले हैं, तो होंडा कार्स वाले कहते हैं हमारे पास अभी टायर बने हुए हैं जो हमने गाड़ी में कन्वर्ट नहीं किए, तो ये रॉ मटेरियल है। ऑब्वियसली जब टायर कन्वर्ट करेंगे गाड़ी में, तो गाड़ी तो इनके लिए स्टॉक होगी जो बिजनेस में बेचने के लिए है, और गाड़ियाँ इनके लिए बिजनेस के एसेट होंगे जिनको कल कलांको जाके बेचेंगे। तो इसलिए तीन चीज़ें, और मजे की बात समझे, तीनों चीज़ें बिजनेस में यूज़ हो रही हैं। स्टॉक यूज्ड इन बिजनेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स यूज्ड इन, रॉ मटेरियल यूज्ड इन। व्हेन इट इज फॉर बिजनेस ऑब्वियसली इट डज नॉट फॉल अंडर द टेंपरेचर ऑफ कैपिटल गेन। ओके चले आगे। एनी प्रॉपर्टी फॉर विच डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन इज अलाउड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा जी, जो बिजनेस मैन है की हो गया है, अच्छा जो बिजनेस मैन है, जो बिजनेस मैन है या कोई भी बिजनेस, उसके अंदर कुछ होते हैं फिक्स्ड एसेट और कुछ होते हैं इनटेंजिबल्स। फिक्स्ड एसेट्स में मिसाल के तौर पे बिजनेस, आप मिसाल के तौर पे किसी बड़े जनरल स्टोर पे चले जाएं, तो बड़े जनरल स्टोर्स के ऊपर आपको एम्प्लॉयज के लिए पड़ी हुई चेयर नजर आ रही होंगी, आपको क्या वार्डरोब कहते हैं जहां पे बर्तन वगैरह बाकी चीजें डिस्प्ले के लिए लगे होते हैं, शेल्फ्स कहते हैं, शेल्फ आपको शेल्फ्स लगी हुई नजर आती होंगी, आपको जो है वो कंप्यूटर लगे हुए नजर आते होंगे, ठीक है। किसी जनरल स्टोर पे चले जाएं, आपको कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है वो महसूस होगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है। इसी तरह जो है वो और भी आपके कोई इंटेंजिबल्स वगैरह हो सकते हैं। इंटेंजिबल्स माइक, अब आवाज आ रही, बस मुंह में डालने की कसर रहेगी। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर वगैरह और ये सारी चीजें, ये भी क्या है बोले, इन टेंजिबल है, रोज है, इनटेंजिबल है। तो अब सवाल ये होगा कि ये वाली चीजें जो है वो इस्तेमाल होके होती हैं डेप्रिशिएट, अपनी वैल्यू लूज करती हैं, और ये वाली चीजें इस्तेमाल होके होती हैं अमोर्टाइज। तो इनटेंजिबल्स के लिए अमोर्टाइज का लफज है और टेंजिबल्स के लिए डेप्रिशिएट का लफज है। साथ वाले को प्यार से समझाएं, बेटा नोट कर लो, बेटा क्या करें उसे। इनटेंजिबल के लिए अमोर्टाइजेशन, अगर ये आपने भी पूछना था तो मैं ये क्लास छोड़ के जा रहा हूं, जिन्होंने FR2 पढ़ी हुई ऑलरेडी, अल्लाह अकबर, ये दिन भी देखने थे जी। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन एक ही चीज होती है, वैल्यू लूज करना चीज की। अमोर्टाइज, अमोर्टाइज देखो, बिजनेस के एसेट्स हैं, चेयर है, अब ये चेयर डेप्रिशिएट हो रही है इस वक्त, थोड़ी देर बाद देखना इसका क्या हाल होगा। तो बैठने से ये चीजें डेप्रिशिएट होती हैं, वैल्यू लूज करती हैं। बिजनेस का चेयर, बिजनेस के शेल्फ, बिजनेस के कंप्यूटर, इसी तरह सॉफ्टवेयर है, इस्तेमाल करने से उसकी लाइफ एक्सपायर होती चली जाती है, तो इसलिए इसको अमोर्टाइज करते हैं। इनटेंजिबल्स ये मतलब होता है, ये मिसाल दे दी, पीछे क्या रह गया, सॉफ्टवेयर कभी देखा आप लोगों ने, वो इनटेंजिबल होता है, टच नहीं हो जाता, टच नहीं हो सकता। साथ वाले के मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड टच करे जो सॉफ्टवेयर है, नहीं टच हो सकता, तो इनटेंजिबल्स की मिसाल दे दी। ओके, नेक्स्ट ही आगे चलें। टेंजिबल्स कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें टच किया जा सकता है? फिक्स एसेट को क्या कहते हैं? टेंजिबल। और जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं उन्हें इनटेंजिबल्स। तो बिजनेस में वो चीजें जो डेप्रिशिएट होती हैं, दांत अंदर करो, बिजनेस में वो चीजें जो डेप्रिशिएट होती हैं और बिजनेस में वो चीजें जो अमोर्टाइज होती हैं, उनको बिजनेस के चैप्टर में डील करेंगे या कैपिटल गेन के चैप्टर में? मेहरबानी। अच्छा जी, पॉइंट जी, सी डिलीट हो गया वाला उसे, और कोई बात करनी है तो क्लास के बाद आना। एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल, हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द बंदा और हिज फैमिली डिपेंडेंट या उसके बीवी बच्चे, या उसके बीवी बच्चे। तो कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है जो बंदे के पास हो या उसके बीवी बच्चों के पास हो, वो पर्सनल यूज में आती हो, किस में आती हो? पर्सनल यूज में आती हो। अब भाईजान, माजरत के साथ हम इसके घर तक पहुंचेंगे, जब हम इसके घर तक पहुंचेंगे तो घर में जाके जिन जिन चीजों को हिला के देखेंगे और वो हिल जाएंगी, तो उनको क्या कहेंगे? बोले मूवेबल। बंदे खुद नहीं, बंदों की बात नहीं करनी, ठीक है। तो जिन जिन चीजों को हिला के देखेंगे वो हिल जाएंगी, डेट विल बी कंसिडर्ड एज बोले मूवेबल एसेट, ठीक है।
वो अब उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो जरा सुनते रहें, कौन कौन सी चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। मिसाल के तौर पे घर का एसी, घर के पंखे, घर के अंदर लगी हुई बिजली की वायरिंग, घर के बर्तन, मोटरसाइकिल, गाड़ी, साइकिल, जितनी चीजें, कुर्सियां, मेजें, वो जहेज का पड़ा हुआ पुराना सामान जो कभी खोला नहीं, पेटियां, कपड़े, कपड़ों के थान, वो पड़े पड़े फरनाइल के अंदर जो डाली हुई गोलियां, सारी मूवेबल है। सारी चीजें क्या है? मूवेबल है। तू डिसाइड कर ले, हम सीए कर लें। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? बोले मूवेबल। मूवेबल होने की वजह से ये कैपिटल एसेट नहीं है। तो घर में पड़ी हुई सारी मूवेबल चीजें कैपिटल एसेट नहीं है। आज जब अफतारी हो रही होगी तो प्लेट के नीचे आपने लिखना है इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ओके, अम्मी सेड व्हाई? अम्मी इट इज नॉट, इट इज मूवेबल। बेटा यू योर सेल्फ इज मूवेबल। ओके, हाउएवर फॉलोइंग एसेट्स हेल्ड फॉर जाती इस्तेमाल बाय द बंदा और इस बीवी बच्चे शैल बी, ओ तेरी खैर, शैल बी कंसिडर्ड एज। लेकिन घर में पड़ी हुई ये चीजें अगर मूवेबल हैं तो इनको मूवेबल होने की वजह से स्टिल कैपिटल एसेट कहेंगे। जैसे भाई तशरीफ ले आए हैं, इनको मूवेबल होने की वजह से स्टिल कैपिटल एसेट कहेंगे। सुने आपने, एक दिन में 12 लेक्चर लिए हैं, एक दिन में 24 घंटे में, खड़े हो जाओ जरा, खड़े हो जाओ, 24 घंटे में आपने टैक्स के 12 लेक्चर अटेंड किए फिजिकल को ज्वाइन करने के लिए, और आज फिर लेट क्यों हो गए? क्या ले, क्या करते रहे? वैसे ही गलियां मारते रहे, वो जो 12 लेक्चर वाला याद करते रहे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन सुनाओ, याद तो कुछ नहीं किया। ऐसे लेक्चर लेने का क्या फायदा? चलो हैव अ कुर्सी, कल से टाइम पे इधर आए, इधर आगे आए भाई, आगे जगह बनवाएं के लिए। जी भाईजान, यार घर में पड़ी हुई ये चीजें ना, माना के मूवेबल हैं बट दे विल स्टिल बी कॉल्ड एज कैपिटल एसेट। पेंटिंग, मुजस्मा, ड्राइंग, अदर वर्क ऑफ आर्ट, ज्वेलरी, रेयर मुसविदा, कोई पुरानी तहरीर घर में पड़ी हुई है कीमती सी, रेयर मुसविदा तहरीर कोई, फोलियो उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, और बुक, रेयर बुक होनी चाहिए भाईजान, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, रेयर फोलियो, रेयर बुक कोई घर में पड़ी हुई है, पोस्टेज स्टैम्प, बड़ी वो नेहरू के जमाने की टिकटें, पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है स्टैम्प्स के केस में, फर्स्ट डे कवर, कॉइन और मेडोलियन या साथ वाला, सॉरी, और एन एंटीक। तो ये जो चीजें घर में पड़ी हुई हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज बोल रहे हैं कैपिटल एसेट, हालांकि पर्सनल भी हैं और मूवेबल भी हैं, दे स्टिल बी कॉल्ड एज कैपिटल एसेट। क्लियर? अब बता दें जी, अम्मी के ड्रॉर में जो पड़े हुए कड़े हैं वो कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट है। भाई ने जो पेंटिंग लगाई हुई है अपने कमरे में वो कैपिटल एसेट है। तो ये वो चीजें हैं चंद जिनको लॉ मेकर ने स्पेसिफिकली क्या कह दिया। तो घर में पड़ी हुई सैकड़ों चीजों में से, घर में पड़ी हुई सैकड़ों चीजों में से 7-8 चीजों को पकड़ के हमने जबरदस्ती क्या कह दिया, कैपिटल एसेट। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज कैपिटल एसेट है, That is shares. That is shares also fall under the definition of capital assets. Shares भी capital asset की definition में fall करते हैं। Shares होते हैं किसी company के, आपने shares खरीद लिए, जैसे PTCL के अंदर आप पैसे डालना चाहते थे थोड़े से, तो PTCL के अंदर आप शेयर होल्डर बन गए। अच्छा, इसमें ना अब चंद rules हैं, उन rules को हम पढ़ेंगे फिर आगे move करेंगे। अच्छा, हम अपने समझने के लिए ना दो कैटेगरीज बना रहे हैं, अपने समझने के लिए दो कैटेगरीज बनाते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, किस कंपनी के शेयर्स? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, यानी शेयर्स जिन्हें आप कहते हैं शेयर्स। और दूसरी कैटेगरी बनाते हैं ज्वेलरी, पेंटिंग, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट एटसेट्रा। अभी काफी सारी चीजें पड़ी है ना ज्वेलरी के साथ। तो ये जो घर के अंदर पड़ी हुई पर्सनल मूवेबल चीजें हैं, कौन सी? घर के अंदर पड़ी हुई पर्सनल मूवेबल चीजें हैं, ज्वेलरी, रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट, पेंटिंग, कॉइन, मेडोलियन, ये जो सारे जिनके नाम आपने याद करने हैं, ये जो घर में पड़ी हुई पर्सनल मूवेबल चीजें हैं, इनको अपने समझने के लिए कैटेगरी टू में कहने लगाऊं, और बाकी जो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स वगैरह हैं इनको अपने समझने के लिए मैं क्या कहने लगाऊं, कैटेगरी वन कहने लगाऊं। अब भाईजान, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं
मैंने प्राइवेट कंपनी का शेयर खरीदा 50 रुपए का और बेचा 60 रुपए का। कोई बता सकता है 50 रुपए की चीज खरीद के 60 रुपए की बेचें तो गेन आएगा या लॉस आएगा? कितना गेन आया? ये गेन किसमें ऐड होगा? मेरी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में ऐड होगा। क्लियर? अच्छा, अगर 50 रुपए का शेयर खरीद के कॉन्सिडरेशन यानी सेल प्राइस 50 का शेयर खरीद के मैं 48 का बेचूं तो हा की बात है या चुच की बात है? तो इसका मतलब है कि 50 वाला शेयर खरीद के 48 रुपए का मैंने बेचा तो मुझे फायदा हुआ या नुकसान? नुकसान हुआ। इसको कहते हैं डिडक्शन, मुझे नुकसान हुआ, इसे कहते हैं लॉस। क्लियर? अच्छा, किसी एरिया में किसी पोर्शन में गर्मी तो नहीं लग रही जरा बताएं? ये चल नहीं रहा? नहीं, इसे जरा देखो, कूलिंग कर रहे हैं? कूलिंग कर रहे हैं तो इशू क्या? फिर क्या कह रहे हो? और किस एरिया में हवा नहीं आ रही? जरा हाथ खड़ा करें यार। अब इस एसी के लगाने से भी मसला हल नहीं हुआ, उन्हें को एक इधर भी लगवा दें, एक दो दिन के अंदर ना इधर भी एक लगवा दें। इसको स्विंग भी करवा दो, इस वाले को। ये वाला क्या कर रहा है? खड़े हो? ये तो कर रहे हैं, मुझे हटो। मैं खड़ा होके तो चेक कर लूँ? खड़े हो जाओ, हाथ आके करो। आ रही है स्विंग? नहीं है वो तो नज़र आ रहा है, स्टैंड है। ओके, अच्छा भाई, दूसरी चीज़ ज्वेलरी जो है, येलो शर्ट हाथ खोल लें हाइब्रिड क्लास से, ज़बरदस्त। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है मोहतरम ज्वेलरी है, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, रेयर बुक, क्वाइन, ये भी क्या है बोलें? कैपिटल एसेट। ये दोनों कैपिटल एसेट्स हैं, शेयर्स वगैरह और ज्वेलरी वगैरह। इनके बेचने पे गेन आएगा। मिसाल के तौर पे मॉम ने, अच्छा हाँ सॉरी, मैं बात कर रहा था कि 50 रुपए का आपने शेयर खरीदा, 48 रुपए का बेच दिया, कितना नुकसान हुआ? 2 रुपए का। ये नुकसान खर्चा है, माइनस करने की इजाजत है। ये नुकसान खर्चा है, माइनस करने की इजाजत है। ओके, नेक्स्ट, ज्वेलरी के बेचने पर गेन आया। मिसाल के तौर पे मॉम ने ज्वेलरी बेची 10,000 की और मॉम ने खरीदी 10,000 की और बेच दी 12,000 की, कितना गेन आया मॉम को? 2,000। ये 2,000 का गेन इनकम में जाएगा, ये 2,000 का गेन इनकम में जाएगा। और इधर ऊपर देख लें अगर आए हुए हैं तो मेहरबानी होगी आप लोगों की। और ज्वेलरी बेची, ज्वेलरी बेचने के ऊपर क्या आ गया? लॉस आ गया। लॉस कैसे आया? मिसाल के तौर पे 50,000 का जेवर बेचा और 47 खरीदा और 47,000 का बेच दिया, बताएं जी कितना लॉस आया? भाईजान ये आप गम की खबर सुने, ये लॉस माइनस करने की इजाजत, डिडक्शन नॉट अलाउड का मतलब क्या है? लॉस माइनस करने की इजाजत नहीं है, लॉस माइनस करने की इजाजत। तो ये जरा कैपिटल गेन के चैप्टर ने कन जूसी जाहिर की या खुलापन जाहिर किया? कंजूसी जाहिर की। तो कैपिटल एसेट्स कितने किस्म के हैं? दो, शेयर्स वगैरह और दूसरा ज्वेलरी, क्वाइन, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह। जो पहले कैटेगरी वाली है उसका गेन इनकम है और उसका लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की, और जो दूसरी कैटेगरी है उसका गेन और लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। ये बात नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात लिखी हुई है, लिखी हुई चीजें क्या नोट करनी है। शायर ने का खूब कहा है, लिख। अच्छा जी, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एसेट, एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एसेट। ये स्विंग पे ये भी लगवा दें, वो भी लगवा दें, वो लगे, ये भी इसको भी करवा दें। एग्जाम्पल्स ऑफ कैपिटल एसेट। यार ये ना अभी ये अल्फाज ना पढ़ें, इस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे, फिलहाल आप सिर्फ ये हाईलाइट कर लें, कैटेगरी वन और कैटेगरी टू। कैटेगरी वन पे गेन आ जाए तो गेन इज इनकम और लॉस इज अलाउड एज, कैटेगरी टू पे गेन आ जाए तो गेन इज और लॉस इज नॉट अलाउड एज। कैटेगरी वन में लिख लिया आपने शेयर्स और कैटेगरी टू में लिख लिया ज्वेलरी एटसेट्रा, मेहरबानी। कैटेगरी वन में शेयर्स वगैरह और कैटेगरी टू में ज्वेलरी वगैरह। ये क्या है? एग्जेम्प्ट एसेट। बता दें यार एग्जेम्प्ट क्या होता है? हो सकता है हुकूमत ने किसी पे क्या लगाया हो? टैक्स लगाया हो, और टैक्स लगा के हुकूमत ने उस पर बाद में माफ कर दिया हो, इसे कौन सा एसेट कहते हैं? तो एग्जेम्प्ट एसेट कौन सा होता है जिस पे टैक्स? तो इसके ऊपर अगर गेन आ जाए तो इनकम में ऐड होगा, इस पे लॉस आ जाए तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगा? नहीं होगा।
तो एग्जेम्प्ट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जिन पे हुकूमत टैक्स नहीं लगाना चाहती, इन पे खुशी आ जाए तो इनकम में नहीं जाएगी, इन पे गम आ जाए तो लॉस के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। नहीं, वो किसी और चैप्टर में आएगा। अच्छा जी, अब ये किस रंग का सितारा है? काला, काला सितारा। काला सितारा का मतलब क्या है? काला सितारा का मतलब यह है कि अगर आपको कभी इनकम आ जाए, आपको क्या आ जाए? लॉस नहीं, क्या? इनकम आ जाए, और आपके खरीदने और बेचने की तारीख में एक साल से ज्यादा का अरसा हो। खरीदने और बेचने किस तारीख में? एक साल से। मिसाल के तौर पर आपने 2010 के अंदर चीज़ खरीदी और 2013 के अंदर चीज़ बेची। अब मिसाल के तौर पे जब आपने खरीदी थी तो चीज़ 10,000 की थी, जब आपने बेची तो 30,000 की थी। बोलें जी कितना गेन आया? 20,000। ये 20,000 का गेन इनकम में ऐड होगा, लेकिन एक रिलैक्सेशन है, 20,000 के गेन को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 75% से। 20,000 के गेन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 75% एक फैक्टर है, यानी उसे ये कहा जा रहा है कि अपने पूरे गेन पे टैक्स दे या खाली गेन के 75% पे टैक्स दे। तो 20,000 पे टैक्स देगा या 20,000 का 75% 15,000 पे टैक्स, 15,000 पे टैक्स देगा, 15,000 पे टैक्स देगा। क्लियर? कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, अभी हम पूरा फुल फ्लेज न्यूमेरिकल करने लगे हैं। गेन विल बी मल्टीप्लाइड बाय इफ द होल्डिंग पीरियड इज मोर देन, अगर खरीदने और बेचने की तारीख में एक साल से ज्यादा का अरसा है तो गेन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा? 75% से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, चलें जी सवाल शुरू करें। ये सवाल निकालें मिस्टर कासिम वाला। अभी देख लो, अभी सारा होने लगा, सारा इसी के ऊपर होगा। ओके, कौन से पेज पे है सवाल? 229। मिस्टर कासिम डिस्पोज्ड ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2012। इसने ये वाले एसेट्स बेचे हैं, शेयर्स ऑफ पब्लिक अनलिस्टेड। इंशाल्लाह कल देखेंगे क्या होती है, कल इस पर तफसीलन बात होगी, पब्लिक अनलिस्टेड क्या होती है, प्राइवेट क्या होती है। बस आप बाकी सब बात सारे बातें छोड़ें, बस ये शेयर्स लग रहे हैं ना, ये शेयर्स लग रहे हैं ना, कहाँ आगे लग रहे हैं, ये शेयर्स लग रहे हैं ना, ये शेयर्स लग रहे हैं ना, हैं भी शेयर्स। ये शेयर्स का बेचना कैपिटल गेन के चैप्टर में जाएगा। कासिम ने अपनी बीवी बानो को बुलाया। बानो को कब? बानो ने कहा सरताज नहीं। सरताज ने कहा बानो बिक चुकी है, ये पकड़, 80,000 की बिकी है। अच्छा जी, तो क्या बेच दी? बेगम का जेवर, सोना। सोना कहां से पता चल रहा है? चलो सोना ही है, तो बेगम का सोना बेच दिया। अच्छा जी, उसके बाद पेंटिंग भी उस लिस्ट में आ रहा है। एग्जेम्प्ट एसेट है कोई? नंबर वन एग्जेम्प्ट एसेट, नंबर इसकी गेन के ऊपर इनकम और लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। और फिर क्या? अबे ऊपर देखते रहे, सीए करें। और क्या है? क्वाइन। क्वाइन के बाद क्या बेचा? बेटे को बुलाया, कामरान इधर आओ बेटा, वो तुम्हारी गाड़ी थी। जी अबू, बेटा नहीं है वो। डिस्पोज्ड ऑफ कार ऑफ सन। बेगम को बुलाया, बेगम का वो हमारा डाइनिंग टेबल था। बेगम ने कहा जी नहीं है वो। होम फर्नीचर, घर का फर्नीचर भी इसने बेच दिया। तो इसके इतनी चीजें बेचने से हमें यह फायदा हुआ कि हमें एक अच्छा न्यूमेरिकल मिल गया। He has also informed you that he has an income from business of 9 lakh during the year. शुक्र है इसने और कुछ नहीं किया। अब हम इसका क्या कैलकुलेट करेंगे? जान टैक्स कैलकुलेट करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। सफे पे हाथ फेरें, हाथों लेकर रजिस्टर पे सफे पे हाथ फेरें। वर्किंग वन, भाई ये लास्ट रोज वाले आगे आ जाएं, आगे एडजस्ट होना पड़ेगा, किसी को बता दें, वरना ये फॉन्ट साइज मुझे इतना बड़ा करना पड़ेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जी भाई जान, शेयर्स ऑफ एबी प्राइवेट कंपनी, कितने के खरीदे, कितने के बेचे? कैलकुलेटर के बगैर बताएं गेन आया लॉस? 40,000 वाली चीज अगर आप खरीद के 70,000 की बेच दें, 40,000 वाली चीज अगर आप खरीद के 70,000 की बेच दें तो
क्या आएगा भाई, एक और भाई को भी आगे आने दो, एक और भाई को भी, जल्दी आओ व्हाइट शर्ट, एक मिनट रुके, जल्दी 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 जल्दी। तो 40,000 वाली चीज आपने खरीदी और खरीद के 70,000 की बेच दी, कितना गेन आया? 30,000 का गेन आया। तो गेन कैलकुलेट करते हैं जी। डिस्पोजल किसकी है? शेयर्स किस कंपनी के? एबी प्राइवेट कंपनी के। कितने के बेचे? 70,000। कितने के खरीदे? 40,000। गेन कितना आया? 30। लेकिन अभी आपने इस गेन को आउटर कॉलम में नहीं लेके जाना, इस गेन के साथ एक सलूक करना है जो दुनिया देखे। अगर खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान कितना अरसा है? एक साल से ज्यादा 2008-2012, एक साल से ज्यादा का अरसा है। तो खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान अगर एक साल से ज्यादा का अरसा है तो मेरी बात सुन लें, नोट करने का टाइम दिया जाएगा। अगर खरीदने और बेचने की तारीख के दरमियान एक साल से ज्यादा का अरसा है तो फिर गेन जो आएगा वो तो 30,000 है, लेकिन हुकूमत रिलैक्स करेगी और कहेगी पूरे गेन पे टैक्स ना दो, बल्कि कितने गेन पे टैक्स दे दो? 75%। चलें जी, 22 यहां से टोटल करते जाएंगे, ये हमारी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ जाएगी। नोट कर लें मेहरबानी। साथ वाला तैयार होके आता है या तैयारी भी करके आता है? तैयारी तो नहीं कर रहा। चलें जी आगे, आगे क्या बेचा है? अब सबके पास बुक है ना, मैं उधर नहीं जा रहा बार बार। क्या बेचा जी? शेयर्स ऑफ डीई प्राइवेट कंपनी। कितने के खरीदे? 20,000। कितने के बेचे? 5,000। 20,000 की चीज अगर 5,000 में बेचे हैं तो बंदा तो जमीन पे लेट जाएगा गम में। तो क्या आ गया? लॉस आ गया। अच्छा जी बताएं जी, कितने का बेचा? बात सुना करें, कितने का बेचा, कितने का खरीदा, जो मर्जी पहले लिख लें, बस ये बताना चाहिए आपको गेन आया या लॉस आया। तो क्या आया? लॉस आया, लॉसा आया, लॉसा। कितना लॉसा? 15,000 का लॉसा आया। चलें जी आगे चलें, मजा आ रहा है, आप तो रनिंग में आ गए आप। शेयर्स ऑफ डी कंपनी कितने के खरीदे? कितने? शकल बनाओ भाई जान, तुम हाथ रहे हो यार, मैं शकल बनाने कह रहा, ट्राई करो। हाँ यस, शेयर्स ऑफ डी कंपनी कितने के बेचे? कितने के खरीदे? अच्छा क्या आया? कितना? कोई सवाल किसी क्लास में? हाँ जी, नहीं प्राइवेट कंपनी के अलावा ना मैं पब्लिक अनलिस्टेड भी आपको कल करवाऊंगा और उसकी डिटेल मैंने कहा था कल डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ शेयर के लफ्ज पे फोकस करो। इधर देखें भाईजन, इधर लॉस आ रहा था 15,000 का, इधर 10,000 का लॉस आ रहा था, तो इधर हमने ये क्यों नहीं देखा कि एक साल से ज्यादा अरसा है? वो रूल सिर्फ किसके लिए है? गेन को 75% से मल्टीप्लाई करना है या लॉस को भी? गेन को, जिस मर्जी किस्म का गेन हो, गेन को आपने 75% से मल्टीप्लाई करना है, लॉस को 75% से मल्टीप्लाई नहीं करना। क्लियर? ओके चलें जी आगे चलें। शेयर्स ऑफ एम कंपनी कितने के? 2,00,000 के बेचे जी। कितना गेन आया? 1,00,000। खरीदने और बेचने की तारीख में कोई क्लास में बैठा हुआ रशीद बता सकता है कितना डिफरेंस है? भाईजान कह रहे हैं 9 माह, गरारियां घूमी हुई हैं। 1 मार्च 2011, इसका ना जम मारा करें, लॉन्ग जम। 1 मार्च 2012, एक साल हो गया, लेकिन 1 मार्च 2012 से 4 दिन पहले बेचनी है, तो एक साल के अंदर अंदर बेचे हैं। चलो 2 दिन पहले, फरवरी 28 का लगा लो। बहरहाल 1 मार्च 2011 से 1 मार्च 2012 कितना अरसा होगा? एक साल के अंदर अंदर बेचे या एक साल के बाद बेचे? अगर एक साल के अंदर अंदर बेचे
मुझे बता दें, शर्माना नहीं है हमने, मुझे बता दें ये शेयर्स वगैरह है या ज्वेलरी है? ज्वेलरी वालों के लिए 21 तोपों की सलामी। शेयर्स, ये शेयर्स हैं। शेयर्स के बेचने पे क्या आ रहा है, कितना आ रहा है? 1,40,000 का। तो शेयर्स कैटेगरी 1, इनके बेचने पे क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। गेन के ऊपर सितारा लगा हुआ है, सितारे का मतलब है गेन को 75% से मल्टीप्लाई करते हैं अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से। तो अब जरा मुझे बताएं, होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है या होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है? तो फिर 75% से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 2,00,000 - 60,000 कैलकुलेटर के बिना बताएं कितना आ रहा है, मेहरबानी। 1,40,000। ओहो, नसीमा की ज्वेलरी भेज दी इसने, ज्वेलरी चलो खैर, ज्वेलरी ऑफिस वाइफ। कितने की खरीदी थी, कितने की बेची? 80,000 की। गेन आया, गेना गेना, कितना गेन? 70,000। ज्वेलरी ऑफ मोहतरमा जी, कितने की? पहले खुशी की खबर सुनाएं, 80,000। 80,000 की बेची, खरीदी कितने की थी? गेन कितना आया? 70,000। जरा होल्डिंग पीरियड देखते हैं कितना है, जहेज के वक्त किया या बाद किया है? जहेज के वक्त की कहां है, शोर ने खुद खरीद के दी हुई है, डेट ऑफ परचेज गिवन है। अच्छा, 1 साल से ज्यादा, कोई बोंगा 7 और 8 को कंपेयर ना करे दीवानों, 2007 और 2011 ही काफी है कंपेयर के लिए, देखने की जरूरत ही नहीं। 2007 और 2011 में 1 साल क्या, कई साल आ जाते हैं बीच में। तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से बीबी का ज्वेलरी का मुस्कुरा रहा है जी, ज्वेलरी का होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है। ओके, तो गेन को था कितना, मल्टीप्लाइड बाय 75% जी, 5 to 5,000। पेंटिंग कितने की, आप जल्दी फर्क फारी करें, क्या आप लेके बैठ गए सवाल को? पेंटिंग कितने की खरीदी? 97 की। बेची? कासिम के लाद देखें। अच्छा जी, तो 20,000 की या ठहर जाए भाईजान, जाए आप, तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा सही? तो 90,000 के खरीद के 20,000 की बेच दी, कितना नुकसान आया? 70,000 का नुकसान आया। पेंटिंग भी अभी हमने पढ़ा था उस लिस्ट में है जिसमें कॉइन और ज्वेलरी है। सरताज क्या हो गया, धड़ाधड़ चीजें बेची जा रहे हो जी। कंसिडरेशन 20,000 का, बेगम ये तो टैक्सी है, 2012 या 2013 में देखना क्या क्या होगा। 20,000 माइनस 90,000 भाईजान, प्लीज प्लीज नो कमेंट्स। कितना? 70,000। क्या है, कैटेगरी 2 है, ज्वेलरी पेंटिंग टाइप कोई चीज है, इस पे क्या आ गया है? लॉस इज नॉट अलाउड है, लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। लॉस इज नॉट अलाउड एज, लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। पेंटिंग पे, ज्वेलरी पे, कॉइन पे, मेडोलियन पे, इन चीजों पे लॉस खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। मास्क क्यों पहने लगे, कुछ फील हो रहा है? अच्छा अच्छा चलो, अच्छी बात है, पहनो, मैं तो वैसे पूछ रहा था एकदम क्या। अच्छा जी, चले जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? वापस आ जाए जितने दी। एग्जाम्ड एसेट बेचा है और 10,000 का क्या आया है, लेकिन होल्डिंग पीरियड भी देखने की जरूरत नहीं है, छोड़े परे, क्योंकि एग्जेम्प्ट एसेट तो एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स है ही नहीं। हाँ, एग्जेम्प्ट एसेट को शो कर दो, एग्रीकल्चर इनकम तो हम ऐड करके लेस करते थे ना, लेकिन इसको बस ऐसे डैश डाल के शो कर दें, एग्जेम्प्ट एसेट इस तरह शो कर दें, आवाज एक आएगी थोड़ी सी, यही बातें याद रह जाती हैं, बाकी भूल जाती हैं, क्लास में क्या पढ़ा था। ओके ओके,
अब ये ना बताना वो पास हुआ है या नहीं। ओके एग्जाम टेस्ट टू, एग्जाम टेस्ट टू खरीदा कितने का? 25,000 का। बेचा कितने का? 5,000 का। नुकसान कितना आया? इनका नंबर है आपके पास? ठीक है, नुकसान कितना आया? 20,000। जी भाईजन, जो एग्जेम्प्ट एसेट हैं इनके बेचने पे अगर गेन आएगा तो इनकम में ऐड नहीं होगा, और अगर लॉस आएगा तो खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है। लॉस इज नॉट अलाउड अ डिडक्शन। पेंटिंग देखें, पेंटिंग किस कैटेगरी में आ रही है? कैटेगरी टू। पेंटिंग, ज्वेलरी वगैरह और मेडोलियन और कॉइन जो लिस्ट पड़ी थी उनमें भी यही रूल है, लॉस इज नॉट अलाउड एज लॉस, खर्चे के तौर पर माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लिखनी है कैलकुलेशन तो यहां भी लिख लें, कैलकुलेशन लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन असल में गेन या लॉस इनकम में ऐड नहीं होना। नेक्स्ट, छोटा बेटा बोला अबू नहीं 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 चुप, और अबू कॉइन बेच के आ गए। कितने का खरीदा था? ओ पुत्र तीनों की पता की लपड़े यार, चुप कर जा कर। और कितने का बेचा? 6,00,000 का दुनिया में। अच्छा जी, 2007 में खरीदा था 2000। अच्छा जी, ये क्या है? कॉइन। कॉइन किस कैटेगरी में आता है? कॉइन, कॉइन पे क्या है? गेन किस में जाएगा? लेकिन अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा हुआ तो गेन को फिर, तो इस बुनियाद के ऊपर मुझे बता दें कॉइन पे कितना गेन आया? 3,00,000 वालों पहले तो गेन बताओ। 4,00,000, 4,00,000 को फिर 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। चलें जी लिखें जी, कॉइन स्वीट कॉइन कितने का बेचा? 6,00,000 का। कितने का खरीदा था? 2,00,000 का। कितना गेन आया मल्टीप्लाइड बाय? ये गेन को 75% से मल्टीप्लाई करें, इधर भी किया इधर भी किया इधर भी किया, ये चक्कर गया है। यहां यहां खरीदने और बेचने के दरमियान में 1 साल से ज्यादा का अर्स है, वहां वहां गेन को 75% से मल्टीप्लाई करेंगे। जी बोले, बेटे मैं तेरे से बहुत तंग आ गया हूं, तेरी गाड़ी बेचने लगा हूं, अबू मेरी जान चली जाएगी, बेटे टेंशन ना ले। कार ऑफ सन कितने की खरीदी थी? 3,000 की। नहीं वापस आ जाए ऊपर आए थोड़ा सा, कितने की खरीदी थी? और तेरी खैर, बेची कितने की? 6,00,000 की। अच्छा जी, अब बताएं जाए क्या करें? कैटेगरी वन, वन में तो शेयर आते हैं बस। दानिश भाई ये कूलिंग नहीं हो रही, तो एक जो है ना इधर भी, हाँ मजा नहीं आ रहा, इधर भी एक। अच्छा जी बताएं जी, गेन 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 गेन, ना ये कैटेगरी वन है, ना ये कैटेगरी टू है, ना ये एग्जेम्प्ट एसेट है। अब आप क्या करें? ऊपर आ जाएं, सबने ऊपर आना है। चलें चलें चलें, ऊपर आ गए। अच्छा ऊपर आने के बाद बैठे था दोनों, नहीं कूलिंग तो इस वक्त मेरे ख्याल से चारों की हो रही है, लेकिन किस किस जगह गर्मी लग रही है वो जरा हाथ खड़ा कर दें हजरात, जहां जहां। हाँ जी, ये इधर लगा तो कल उन्होंने भी कहना गर्मी लग रही है, वैसे चलो ट्राई कर लो पहले। अच्छा ठीक है, चलें जी ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा अब अगली बात, अगली बात मुझे ये बताएं कि ये जो गेन आ रहा है किस पे आ रहा है? गाड़ी पे बैठ के आ रहा है या गाड़ी बेच के आ रहा है? गाड़ी बेच के क्या आ रहा है? अगर गाड़ी बेचकर गेन आए, अगर गाड़ी बेचकर गेन आए, एक काम वैसे कल करना, कल इसी तरह पहले चला देना, पहले ये तजुर्बा कर लो। अगर गाड़ी बेचकर गेन आए तो मुझे बताएं क्या गाड़ी मूवेबल पर्सनल प्रॉपर्टी है? Yes, तो हमने पढ़ा था कि मूवेबल चीजें जो घर में पड़ी हुई हैं वो तो कैपिटल एसेट है ही नहीं, तो गाड़ी और इसके अलावा घर में पड़े हुए बर्तन, घर में पड़ी हुई प्लेटें, घर में पड़े हुए समोसे के रोल, रोल के समोसे, घर में पड़े हुए बेसन का मटेरियल, वो सारा का सारा बोले 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 मूवेबल प्रॉपर्टी होने की वजह से कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से, इसलिए गाड़ी तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, तो गेन या लॉस का हैगा। और याद रखिएगा घर की गाड़ी बेचना किसी चैप्टर में नहीं जाएगा, अगर किसी और अदर सोर्स के चैप्टर में भी जाना होता तो लॉ मेकर बताता। तो इसलिए घर की गाड़ी किस वजह से मैं बाहर निकाल रहा हूं, घर से बाहर नहीं निकालूंगा, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से क्यों बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि हैंड ब्रेक खोलें तो गाड़ी मूवेबल है। तो कार ऑफ सूरज,
मेरा चांद, मेरा सूरज, तो सन की गाड़ी बेच दी। तो बताएं जी, नॉट अ कैपिटल एसेट, बाजार लिख दें नॉट अ कैपिटल एसेट, ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। ओके नेक्स्ट लास्ट चीज जी, होम फर्नीचर, घर में पड़ा हुआ फर्नीचर। भाई जन, घर में पड़ा हुआ फर्नीचर कॉइन पेंटिंग वाली लिस्ट में आ रहा है? अभी लिस्ट पड़ी थी, आ रहा है? अगर उस लिस्ट में नहीं आ रहा तो ये क्या है? मूवेबल है। अगर मूवेबल है तो फिर ये कैपिटल एसेट ही नहीं है। हाँ जी, इसको भी प्रेजेंट करना जरूरी है। होम फर्नीचर नॉट अ कैपिटल एसेट, इसका टोटल करें। अच्छा पहले से ही निकाल के लाए हैं, मुझे लगता है 4,90,000। और न्यूमेरिकल के फेस पे जाएं और बिजनेस और कैपिटल गेन का टोटल करें और टैक्स निकाल दें, न्यूमेरिकल का मुंह पूरा कर लें। अच्छा नहीं, अबू बकर को पावर पॉइंट ग्रिप आ गई आपकी, जो जो मैं कहूंगा वो बता दिया करोगे। भाईजान टैक्स निकाल लेना यार, इसका निकाल भी लिया टैक्स, बिजनेस कैपिटल गेन को जमा करें। ये इतनी डाउन क्यों है, ये भी नोट कर लो, इसको सही हो। ये क्या टाइम पे क्यों नहीं आते आप लोग, भैया टाइम पे क्यों नहीं आते? आप टाइम पे आते हैं पूरे टाइम पे। टेबल वन लगेगा, टू टेबल वन। मिस्टर कासिम, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2000। यार ये प्लीज ये ना करें आप लोग, कुछ बच्चे कह रहे हैं कैपिटल गेन का चैप्टर भी टेस्ट में डाल दें, बस होती है ना, क्या मतलब, बस चैप्टर इतना ना किया करें, बस जितना आपको कह रहा हूँ उतना करें। चैप्टर 4 इनकम हम प्रॉपर्टी रखें, अब कैपिटल गेन भी बीच में डाल दें, डालने तो कोई मसला नहीं, लेकिन अब बस होती है ना। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम, ये मैं बता रहा था, पूछ नहीं रहा था कुछ, इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी? 9,00,000। जी कौन तरकीब सुन सुन के इस पे तैयार हो गया कि मैं ईद की छुट्टियों पे घर नहीं जा रहा, इंशाल्लाह एक ही दफ़ा सितंबर में जाऊंगा। जी वेल डन, एक ही दफ़ा इंशाल्लाह सितंबर में घर जाऊंगा, बीच में कोई मसला हुआ घर वालों पे तब ला लूंगा। अच्छा 4,90,000, ये ईद की छुट्टियां अगर आप इधर गुजार लेना तो लुट मच जाए, इस एक महीने में जो पड़ा है ना उसको आप जो है वो इती फीती कर दें, और आपको अगस्त के अंदर बिल्कुल मजे होंगे। यार ये एक महीना तो मैंने 100% रिवाइज कर लिया था। तो ये कमाल हो जाए ईद की छुट्टियां हॉस्टल में, 1,390,000। आप बता दें जी, जगह बदलने वाले भाई, टैक्स लायबिलिटी कितनी है आप बता दो, क्लासेस वाले भाई जल्दी बताएं। 70,000 भाई जान, इनकम फ्रॉम सैलरी इसकी जीरो है, तो टैक्सेबल इनकम का 75% लेंगे, सैलरी से कंपेयर करेंगे, सैलरी आएगी कम, जब सैलरी आएगी कम तो टेबल वन प्लस 15% ऑफ वन, चलें जी, हर गाय लुट मचाए। 5 से 6 नंबर का मची हुई लुट को क्या मचाना मेरे भाई, जल्दी 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 आखिरी फिगर सबकी मैच कर जाए। टैक्स पेबल टू शहबाज शरीफ 98,500 है तो है, अब क्या करें, आपका दिल चाहे ना चाहे। ओके किस पे जी, बिल्कुल। अच्छा ये जो है ना, इसके ऊपर मैंने आपसे बात करनी है वैसे आजकल में, ये जो वाइफ और सन है ना, इसके बारे में ना लिखा हो तो इनको हम एज्यूम करेंगे डिपेंडेंट,
अगर तो ये खुद कोई काम कर रहे हो ना, फिर तो शायद वाइफ अपनी ज्वेलरी पे खुद टैक्स देगी। लेकिन अभी तो ये लफ्ज एक लिखा हुआ था डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट का मतलब है कि फिर शोहर की इनकम में या बाप की इनकम में ही चीजें जाएंगी, अनलेस के वाइफ या सन ने इंडिपेंडेंटली कोई काम शुरू कर दिया तो फिर वो उनकी इनकम में जाएगा स्पेसिफिकली इस केस में। ओके, ये पेज कौन सा चल रहा है आपका? मेरा असल में पुरानी किताब का पेज है, आप जरा बता दें पेज कौन सा है। पहले वाले पेज पे आ जाएं, 226.1 पढ़े जी। अगेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ अ शेल बी चार्जेबल अंडर द हेड, जो गेन आया है बेचने पे वो किस चैप्टर में जाया करेगा? जाहिर बात है कैपिटल एसेट के बेचने पे गेन किस चैप्टर में जाया करेगा। और कैपिटल एसेट कौन कौन से हैं? हमने कैटेगरी वन वाले शेयर्स हैं और कैटेगरी टू वाले ज्वेलरी और बला 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 बला। आखिरी 5-7 मिनट याद कराइएगा, कोई प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल जो है वो करेंगे, फिर आपको होमवर्क में दिया जाएगा, फिर उसे कल डिस्कस करेंगे। अदर देन गेन, कल वाला हो गया था होमवर्क में? क्लास वर्क वाला भी कर लिया था? नो सर। अदर देन गेन दैट इज एग्जाम्ड फ्रॉम सेक्शन 15, ये याद हो गया सबको? डिडक्शंस वाला सारा, बैड डेट की 3 शराइत भी याद हो गई हैं। कमाल हो गया यार, आप लोग फ्लाई कर रहे हैं। अगर कोई मसला है फ्लाई में रहा तो इस चैप्टर को साथ साथ याद करें। अदर देन गेन दैट इज एग्जाम्ड फ्रॉम, किस गेन को इनकम में नहीं डालना जो एग्जाम्ड है टैक्स से? ओके, अच्छा जी, एक मसला है, आइंस्टाइन के सामने भी आया था लेकिन वो कुछ कमेंट किए बगैर इस जहाने फानी से पूछ कर गया। 17 में आपने शेयर्स बेचे, लेकिन जिस बंदे को शेयर बेचे उसने कहा पैसे भाईजान अगले साल, तो शेयर बेच के पैसे आपको रिसीव हुए अगले साल। गेन अराइज कब हुआ, कमाया कब, और गेन आया कब, यानी कि पैसे आए कब? गेन नहीं आया, गेन तो 16 में आया। गेन आया कब? गेन आया 16 में, या गेन आया या इनकम कमाई 16 में, लेकिन गेन मिला कब? 17 में। अब सवाल यह है कि अगर आप शेयर बेच दें इस साल या ज्वेलरी बेच दें इस साल और सुनार कहे मैं पैसे दूंगा अगले साल, तो किस साल इनकम में ऐड होगा? तो जवाब है जिस साल आपने ये बेचा। पढ़े जरा मसला है फीसा गौरस। द गेन, ट्राई किया करें, द गेन, द गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज अर्न एंड नॉट द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। For example, guys, it means if you sell the shares in 16 and receive the cash in 17, income will be taxed in 17, nahi 16. Income ki saal tax lagegi ji 16 mein. Yaar, aise hi isne panga liya hua hai. Isne jo exempt capital gain hai na, uski do misalein de di hain masala laga ke. Exempt capital gain ki do misalein de di hain. हालांकि ये मिसालें कभी टेस्ट भी नहीं हुई और हमें कोई लिफ्ट भी ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल उसने दो मिसालें दे दी हैं, मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ पूरी क्लास के सामने। एक है जी ट्रांसफ़र ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट। स्टॉक एक्सचेंज में ना ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स, उनका काम ये नहीं होता कि अपने लिए शेयर खरीदें बेचें, वो दूसरों के लिए भी शेयर खरीदते बेचते हैं, जिनको आप डीलर टाइप कहते हैं। जैसे प्रॉपर्टी में डीलर होते हैं, डीलर ने अपने भी मकान खरीदे होते हैं, हम लोगों के लिए भी खरीदते बेचते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में ना मेंबर्स होते हैं, डीलर्स। डीलर्स का काम होता है लोगों के लिए शेयर खरीद के बेचना। तो डीलरशिप जो स्टॉक एक्सचेंज में है वो करोड़ों रुपए की मिलती है। तो स्टॉक एक्सचेंज में कोई बंदा मेंबर है, उसे 10 करोड़ की सीट मिली और कल कराको वो 12 करोड़ की बेच के चला गया, तो लॉ मेकर कहते हैं ये जो गेन है इसका हम माफ कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज को इनकरेज करने के लिए। तो ट्रांसफर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप सीट, सीट समझ लें, तो एक बंदा अपनी सीट दूसरे को बेच के अगर जाए तो गेन आएगा, तो इनकम में एड, ये एग्जेम्प्ट गेन की एक मिसाल है। ये पिछली गली से आप निकले तो सियालकोट को एक रास्ता जाता है, तो सियालकोट पाकिस्तान में है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, यानी ऐसा इलाका जहां से बाहर के मुल्कों में चीज़ें क्या होती हैं। तो अगर आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर खरीद लिए जिसके जो सेटअप बनी हुई है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग एरिया में, तो फिर ऐसी कंपनी के शेयर्स अगर आपने खरीद के बेचे तो गेन जो आएगा वो माफ़ होगा या टैक्सेबल होगा? माफ़ होगा। तो ये दो चीज़ें रटा प्रोग्राम टाइप चीज़ें हैं, इनको याद कर लें। नंबर वन, हाँ चलो बात हो गई, अब आगे चलते हैं। स्टॉक एक्सचेंज मेंबरशिप राइट, या बोले गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी सेट अप इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग, ये ऐसी रटा प्रोग्राम है, छोड़ें। पॉइंट टू, यार ये ना एक फॉर्मूला है, ये आपने समझना है और जरा फोकस करके। अगर कभी आप शेयर बेचे 12 रुपए के और खरीदे थे आपने 10 रुपए के, तो गेन आया 2 रुपए, इसका फॉर्मूला आपने समझना है, ए माइनस बी। यार ये समझ लें आप, फिर समझ नहीं आता घर जाके, फिर ऑनलाइन वाले मैसेज कर रहे होते हैं।
पढ़ें, द गेन उपाय, द गेन शैल बी कटा जाएगा एज फॉलोज, अ माइनस ब, वेयर अ इज द सेल प्राइस, अ इज द एंड बी इज द कॉस्ट। अब इस फॉर्मूले की डेरिवेशन पे जरा फोकस करें, मैं 5 सेकंड की ब्रेक ले रहा हूं। गेन निकालने का तरीका सीख लिया हमने यार, गिर हो गई यार, कहते थे हाथ से तो गेन निकालने का की नहीं होगी, ए माइनस बी याद हो जाएगा, इधर ही कर लें, थोड़ा कोशिश करें, ए माइनस बी यार, एक्सेलेंट, जबरदस्त समझाया टीचर ने। अच्छा पॉइंट थ्री पढ़ें जी, पॉइंट थ्री, वेयर द होल्डिंग पीरियड ऑफ अ कैपिटल एसेट इज मोर देन, ये कल पढ़ेंगे, द गेन शैल बी कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड एज फॉलोज, गेन इंटू 3/4, गेन को 3/4 कर दें, तो गेन को 3/4 का क्या मतलब है रशीद आजकल, 70, गेन जो कि निकला है सबसेक्शन 2 में, इस ये तो पेपर में नहीं लिखना होता ना, ये अब कहां याद रहेगा हमें, बस इस तरह लिख लेंगे, अमाउंट ऑफ गेन इंटू 3/4, भाईजन ये ऐलान करके ना जाया करें। अच्छा आगे यार, अगर खामोशी हो तो फिर क्या समझा जाएगा, नहीं नीम रजामंदी नहीं भाईजन, वापस आ जाओ यार, हाथ धोगे हर वक्त ही, इफ क्वेश्चन इज खामोश, अगर क्वेश्चन क्या है अबाउट द, बता ही नहीं रहा कब खरीदा कब बेचा, तो एजम्पशन ले सकते हैं हम के होल्डिंग पीरियड 1 साल से, बहरहाल जो मर्जी एजम्पशन ले लें, तो एजम्पशन ली जा सकती है, लेकिन वैसे ये होता नहीं, पिछले 5-10 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं कि उसने होल्डिंग पीरियड ना बताया, वो होल्डिंग पीरियड बताता है, वो होल्डिंग पीरियड ही क्या जो बताया ना जाए, सुभान अल्लाह, शायर ये शेर कहकर दुनिया से चला गया था। अच्छा अब निकालने का प्रॉपर्टी का चैप्टर, वापस आ जाए भाईजान जितने ही, ना 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 भाई मैं मुनासिब बातें किया करो, सीए करे ऐसे फास्ट क्लास में ना बोला करो, आ गई तो आपने भाग जाने। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, फिर 1000 साल और होना पड़ता है, फिर भी नहीं होता चमन में। क्वेश्चन नंबर 7 निकालें, कौन सा कंपनी वो प्रॉपर्टी में, वो यार हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनीज की टैक्सेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, उसको मैं सही करा दूंगा, फिर उसको मैं सही करा देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन कहा है आपको, 7 सहेली आता था, ये वाला कहाँ किया है, सोहेल आ रेजिडेंट इंडिविजुअल ऑन द बिल्डिंग इन क्लिफ्टन एरिया ऑफ, हाँ आप सही कह रहे हो, उसे मिलता जुलता किया था, ऑन यकम 10/2000 ही रेंटेड आउट द टू बाकी रेट एनुअल रेंटल ऑफ 12, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये किया था हमने, लेकिन वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में किया था, सफिक दिस अमाउंट इंक्लूड 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड्स फॉर द बिल्डिंग, भाई जान ये क्या है पाया, खुदा के लिए कौन कह रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, फड़ ले बंदा जूता, ये इनकम प्रॉपर्टी है, और भाई ये अदर सोर्स है, और खुदा दा खौफ कर दिस इंक्लूड 15,000 का मतलब है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, पता नहीं क्या सैरी में खा गया सॉरी, तो भैया ये दिस अमाउंट इंक्लूड 15,000 का मतलब है कि इसमें अदर सोर्स पड़ा है, तो ये खुद फिर प्रॉपर्टी भी है, तो ये जो 12 लाख है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी है, इसमें पड़ा है 15,000 पर मंथ फॉर अरेंजिंग 2 सिक्योरिटी गार्ड फॉर द बिल्डिंग, और ये 12 लाख महाना है, सालाना है, महाना है, सालाना है, महाना है, सालाना है, सालाना, और ये 15,000 महाना है सालाना, वापस आ जाएं सीए करें, पता नहीं क्या शुरू कर देते हैं। अच्छा जी वर्किंग वन पढ़ें, चीती पीती कर दें इसकी, टोटल टोटल रेंट कितने, 12 लाख, कितने बजे उठ जाते हैं, 6:30 उठ जाते हैं, शरीर के पास होते नहीं है, पढ़ पढ़ के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम, अरे ये जज्बा होता है वैसे, जज्बा चलाते हैं बंदे को, मैंने देखा है जज्बा हो तो बंदा जो है, लेकिन ये नहीं कि नींद भी पूरी ना करें, दो एक दो दिन जो है वो शौक में पढ़ने, बाद में जो हटाए हुए हों, अदर सोर्स की कितनी थी पर मंथ,
15,000। ये जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वो आराम सुकून सुकून से चलता है, यानी 5-6 घंटे दिन में सो भी जाता है। 15,000 जरा 12 इज इक्वल टू 1,80,000। मेहरबानी, ये मेहरबानी में आपकी रिस्पेक्ट में कहता हूँ, आप कुछ और ना समझा करें। बैलेंसिंग 12,00,-1,80,000, ये कुछ ज्यादा स्नाई भाई बैठे हैं, किताबें बंद कर दी हैं, पढ़ ले बंदा जुटी थे क्या 20,000? ओके ओके, हम तसली, ये ग्रॉस रिसीट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की और ये ग्रॉस रिसीट इनकम फ्रॉम, लेकिन इसमें एक मसला है, ये हमारे साल की नहीं है, अब तो भाई ने निच भी ले ली, ये हमारे साल की, हमारे साल की देखनी पड़ेगी कितनी है, यकम 10 तो 10, 11, 12 और फिर जनवरी फरवरी कितने महीने हो गए, तो 9 महीने घर किराए पे रहा, रिपेयर, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट कलेक्शन चार्जेस, मिस्टर सुहेल ऑल्सो पेड सैलरी ऑफ 4,000 पर मंथ टू ईच, ट्राई करें, टू ईच ऑफ द 2 सिक्योरिटी गार्ड्स एट बिल्डिंग। चलें जी, वर्किंग 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, ग्रॉस रिसीट 1,020,000, एनुअल है, हमें कितने महीने की चाहिए, 10 महीने की नहीं चाहिए भाईजान, 9 महीने की निकाल देंगे आप या फिर कल तक, 7,65,000 चेक के रखें काम को, इस तरह के बच्चे चाहिए, चला यार आगे तू ही, लेस रिपेयर अलाउंस 1/5 करके बता दें भाईजान, आप चुप रहे हैं, 1,15,000 में लगता है भाईजान, 1,020 पे निकाल रहे थे। अच्छा अगला खर्चा कौन सा है, इंश्योरेंस, पूरा माइनस करें थोड़ा माइनस करें, कितना 10,000। अगला खर्चा कौन सा है, प्रॉपर्टी, पूरा माइनस करें थोड़ा सा, मेहरबानी, रेंट कलेक्शन, ये शहजादा जो है ना तंग करने आ जाता है, अच्छे वाला चल रहा होता है बंदा, ये नंबर देने के लिए आ जाता है, अपना नहीं आपको मार्क्स देने के लिए, लोअर ऑफ एक्चुअल कितना है, मेहरबानी, या 4% ऑफ, ऑब्वियसली इसका 4% जो इससे ज्यादा ही आना है मेरे ख्याल से, लोअर, बताएं जी, 2-3 बंदे लगे जरा जल्दी निकल आएगी चीज, 579, मेहरबानी, 579,000, थोड़ा सा ऐसे ऐसे करें वर्किंग 2 को, फिर वर्किंग 3 करते हैं, ऐसे ऐसे करके वैसे ही हो गई, ना 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 ना, ना रशीद हॉर्न नहीं, कमाल कर दिया येलो शर्ट हाइब्रिड क्लास में आपने, उसके बाद से हाथ नहीं बांधे मुझे लगता है, वेल डन, एक्सेलेंट, कीप इट अप, हाथ खड़े कर दो जरा, खुश हो जाऊं, वेल डन, ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ग्रॉस रिसीट पर मंथ को मल्टीप्लाई कर दें 9 से, या टोटल को पकड़ के 12 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें 9 से, जो मर्जी कर दें, जो मर्जी कर दें, पर मंथ कितने, 15,000 जरबे, बाहर कितना आया, 1,35,000, मेहरबानी, लेस खर्चे, इसमें से इसके खर्चे माइनस करेंगे, सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाह, महाने सालाने, महानाएं सालानाए, महानाए, अच्छा 2 हैं 1 है सिक्योरिटी गार्ड, 4,000 के साथ ईच लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ईच लिखा हुआ है, ईच 4,000 के साथ, तो 2 गार्ड, एक आपके दाईं साइड पे बैठा है, एक बाईं साइड पे बैठा है, जी 72,000 बोलें तो 63,000, कमाल है यार, 2 मिनट रहते हैं अभी। अच्छा अब नोट कोई नहीं करना, इतना आसान चीज भी नोट करनी है तो फिर क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 13 कर दें, 13 फरहान नहीं होता था और इमरान, उन दोनों ने ना क्वेटा के अंदर गेम डाली, क्वेटा के अंदर उन्होंने एक बिल्डिंग खरीद ली हिम्मत करके, द बिल्डिंग हैज बीन रेंटेड आउट टू अ कंपनी, और फिर किसी कंपनी को किराए पे दे दी, डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी,
बताएं जी, दोनों ने मिलके प्रॉपर्टी किराए पे दे दी है भाई जान, शेयर्स नहीं प्रॉपर्टी किराए पे दी है। अब हाँ, वो आपकी बात नहीं समझ आ गई जो आप कहना चाह रहे थे। यार अगर पेज नंबर 215 पे आए, साथ वाले की बुक जो खुली हुई है वहां पे, तो वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन बाय टू आर मोर पर्सन्स एंड देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स आर डेफिनेट एंड असेटेनेबल, द पर्सन शैल नॉट बी असेस्ड एज एनी ओपी एंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन इन द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन देयर। इतना सा लिख कर आ जाएंगे। और मेरा मशवरा यह है कि नोट भी डाल दें आप। ये तो थ्योरी का सवाल है ना, थ्योरी का सवाल है, तो थ्योरी के सवाल में अगर हम दोनों बातें करें तो क्या हर्ज है कि अगर तुम्हें शेयर्स पता है तुम दोनों के तो अलग अलग टैक्स दे दो, और अगर तुम्हें तुम दोनों के शेयर नहीं पता तो फिर नोट डाल के आ जाएं। ये नोट भी डाल के आ जाएं, वेयर एनी प्रॉपर्टी इज ओन एंड देयर शेयर्स आर नॉट डेफिनेट एंड द प्रॉपर्टी विल बी कंसीडर्ड एज जॉइंटली ओन्ड बाय देम, और इनको ओपी समझा जाएगा। तो लिखें जरा सवाल के साथ, थ्योरी का सवाल है, शेयर्स भी नहीं दिए हुए, दोनों बातें कराएं, कोई हर्ज नहीं, एक बात ना करके दोनों बातें कराएं, थ्योरी के सवाल में दोनों बातें कराएं। लेकिन अगर वाजे तौर पर शेयर दिए होते फिर दूसरी बात करने की जरूरत नहीं थी। अभी दोनों बातें कौन सी करनी है देखें, एक ये और एक ये।